क्योंकि आज यहाँ युवाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर जैसे कि पूरा देश जानता है कि आज हर युवा जो है परेशान है, जो युवा सैनिक भर्ती रैली करते थे, जिन युवाओं के 2 साल से परीक्षा नहीं हुई, ग्राउंड उन्होंने क्लियर कर लिया था, उनका पेपर जो है रद्द कर दिया गया, जो कि सरकार ने सबसे गलत कदम उठाया है। सबसे बड़ी बात, इन युवाओं का क्या दोष जिन्होंने 2-2 साल से 4-4 साल से मेहनत की और आज इनका पेपर रद्द कर दिया गया। आज सरकार जो है सोई हुई है, जवान और किसान दोनों परेशान हैं। टीओडी लागू कर दी, आखिर 4 साल में युवा क्या कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है, इन युवाओं का क्या दोष? अगर इन्होंने सरकार से नौकरी मांगी तो इनको जो है लाख भूसे मिले, और आज ये लोग सड़कों के ऊपर, इसलिए सरकार को अपना ये टीओडी का फैसला वापस लेना पड़ेगा। देश की सुरक्षा के ऊपर एक ये सबसे बड़ी सेंध है। आप बताइए कि अगर 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, दुश्मन हमारे सिर के ऊपर बैठा हुआ है, चाइना पाकिस्तान जब बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, और ये सरकार प्रयोग युवाओं के ऊपर कर रही है, सेना भर्ती के ऊपर कर रही है, हम ये प्रयोग नहीं होने देंगे। इन युवाओं का भविष्य खतरे में नहीं डालेंगे, युवाओं को ठेकेदारी प्रथा में भर्ती नहीं होने देंगे, और इन युवाओं के साथ रहकर लड़ाई करेंगे। अगर सरकार ये फैसला नहीं बदलती तो एक बड़ा आंदोलन उन्ना से दिल्ली तक होगा। जय हिंद। देखिए ऐसा है चंद्रमोहन जी, आज आप देख रहे हैं पूरा देश ही नहीं, पूरा प्रदेश, पूरे जो विश्व में ऐसा जो ऐसा आक्रोश आपने देखा नहीं होगा। कोई भी सरकारें ऐसा युवाओं के विरोध में कभी भी निर्णय नहीं लेती, कोई भी फैसला आज चाहे वो जवान के हित में है, चाहे किसान के हित में है, वो लिया नहीं जा रहा है, जस्ट थोपा जा रहा है। ऐसे तुगलकी फरमान नहीं चलेंगे। आज भारत देश का युवा सड़कों के ऊपर आ गया हुआ है। ये कौन सी नीति है? जो सरकारें चुनी जाती हैं वो देश हित के लिए चुनी जाती है, ना कि ये माँ बाप जो इनके पुत्र हैं आज रोड़ों पे आ गए हुए हैं, आज ये अपनी नौकरी बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये अग्निपथ चलेगा नहीं साहब, ये अग्निपथ नहीं चलेगा। ये तो हमने देश में आग लगा दी है। आज अगर आप आग देश में लगा रहे हो तो ये आपके संसद तक पहुँचते हुए देर नहीं करेगी। तो कृपा करके जो इन निर्णयों को है दोबारा एक बार रिकंसिडर किया जाए, दोबारा इसके ऊपर एक बार विचार किया जाए, ताकि ये जो फैसला है युवाओं के हित में हो, नहीं तो हम जेल जाने से परहेज नहीं करेंगे, हम संसद तक पहुंचेंगे। जय 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 जय
कोई भी फैसला केंद्र सरकार नहीं लिया, ना वो किसान के हित में ना जवान के हित में। अगर अगर ऐसे फैसले अगर जारी करो।